ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पहला मैच खेलेंगे दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर, जिसे देखकर थरथर कांप ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वही भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। दोस्तों 6 महीने तक क्रिकेट से दूरी बनाए रखने वाले रविंद्र जडेजा भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे, जबकि रविंद्र जडेजा आखिरी बार अगस्त 2022 में एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे। दोस्तों उन्हें एशिया कप के दौरान घुटने में चोट लगी थी, उन्हें सर्जरी के जरिए उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिस कारण उन्हें 5 महीने के लिए मैदान से दूर रहना पड़ा। हालांकि रविंद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट मैच में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि भारत के लिए अब तक खेले 7 टेस्ट में उन्होंने 2523 रन बनाने के साथ 242 विकेट भी लिए हैं। वहीं भारत में खेले गए 36 टेस्ट में उन्होंने 1457 रन बनाने के साथ 172 विकेट लिए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के लिए जडेजा बहुत अहम रहेंगे। दोस्तों 9 फरवरी को नागपुर में पहला टेस्ट के बाद 17 फरवरी से दिल्ली में दूसरा मैच होगा। ऐसे में सभी मैचों में भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा होंगे।